जब से मैंने पंकज मिश्रा के केस पर PIL किया है, तब से मुझे बराबर जो है फोन पर परेशान किया जा रहा है स्पेशल ब्रांच देवघर की तरफ से, और मेरे घर पे भी लोग जो है कि वहाँ गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बराबर मेरे घर पे जा रहे हैं देवघर में। तो ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब PIL हम किए हैं, मेरा आधार कार्ड वहाँ जमा है, प्लेंट में मिल जाएगा इन लोगों को, तो मेरा क्या सत्यापन करना चाहते हैं, मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्यों हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई उसके बाद ये कोई धमकी देने का तरीका थोड़ा ही है। दूसरी चीज़ है कि जब हमने अपने वकील साहब को, राजीव कुमार जी को, जब मैंने फ़ोन करके बताया, जब उन्होंने बात किया, तो पता चला कि कोई कोई स्पेशल ब्रांच का कांस्टेबल है, जिसको उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्पेशल ब्रांच के ADG का उनको फ़ोन है, ऑर्डर है कि इस आदमी को जो है ये किया जाए, हैकल किया जाए। आखिर किन परिस्थितियों में मुझे हैकल किया, किस चीज़ का हमको मतलब ये लोग परेशान करना चाहते हैं? तो इसका जो है हम न्यायालय में भी कंप्लेंट दाखिल करेंगे अपने वकील साहब के माध्यम से, और जो है कि सरकार को भी बताएंगे कि मुझे क्यों इस तरह से हैकल करने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।